I love helicopters. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ भार्गव। आज रात मैंने एक सपना देखा कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उतर रहा है और उसे देखने के लिए मैं दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये वाला टी शर्ट रुकी देखा था, ये वाला टी शर्ट पहन के सोया था ना, शायद इसीलिए मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली सच में बचपन में मैंने ऐसा किया था। बचपन में मेरे घर के पास एक MiG-21 प्लेन क्रैश हुआ था और उसके पायलट को लेने के लिए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उतरा था, जिसे देखने मैं दौड़ दौड़ के पहुंचा था। बचपन में मुझे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स से बहुत लगाव था। सपना आ ही गया है तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग क्यों ना मैं इस टॉपिक पर ही बनाऊं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। आज हम HAL म्यूजियम जा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरोस्पेस म्यूजियम, जहाँ पर कई प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का डिस्प्ले है। मेरा बेंगलोर आने का एक रीज़न ये भी था। ये 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 और ये। तो हम निकल चुके हैं म्यूजियम के लिए बाइक पे, ताकि जल्दी पहुंच सके। ये म्यूजियम बेंगलोर के ओल एयरपोर्ट के पास है और ये भारत का पहला एरोस्पेस म्यूजियम है, जिसका ओपनिंग हुआ था 2001 में। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पिछले दो वीडियो में जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आप में से किसी ने मुंबई का निखिल के बारे में जिक्र किया था। जी नहीं, मैं निखिल भाई जैसा कैसे हो सकता हूँ। निखिल भाई तो कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से असम तक बाइक पे चले जाते हैं, 2000-3000 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, लेकिन मेरा तो 50-60 किलोमीटर चलाने में ही फंस जाता है सच में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दोनों बिना हेलमेट के कैसे जा रहे हैं और बेंगलोर पे। एक्चुअली हम लोग एक ऐसे रोड पे आए हैं जहाँ पे थोड़ा लोग कम है, ट्रैफिक कम है, इसीलिए हम लोग हेलमेट नहीं पहना है, लेकिन अभी हम लोग हेलमेट पहन लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं अभी बेंगलोर का एक नदी दिखाता हूँ। तो सफ़ेद क्या है बोलिए तो? स्नो लग रहा है ना, स्नो जैसा। लेकिन दोस्तों, ये स्नो नहीं है, ये एक गंदा नाला है। दोस्तों बहुत स्मेल आ रहा है, ये बहुत गंदा नाला है, ये है बेलांडूर में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं HAL म्यूजियम। ये जो शोर है ना, वो पीछे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये वाला एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इसीलिए बहुत शोर हो रहा है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं म्यूजियम पे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो है ना, बहुत शोर कर रहा है, तो मैं अभी ऑडिबल हूँ कि नहीं पता नहीं। ये है वो HAL म्यूजियम और वहाँ पे प्लेन्स का डिस्प्ले है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक के बाद एक प्लेन के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। दोस्तों, ये जो प्लेन है, इसका नाम है मारुट। इसे HAL ने 1960 में निर्माण किया था और ये फर्स्ट इंडियन डेवलप्ड जेट फाइटर प्लेन है। कहने के लिए ये एक सुपरसोनिक प्लेन है, लेकिन ये कभी भी Mach 1 से ऊपर जा नहीं पाया। Mach 1 मतलब साउंड के स्पीड जितना, 340 मीटर प्रति सेकंड। ये है MiG-21। इस प्लेन के साथ मेरा बचपन की यादें जुड़ी हुई है। बचपन में मेरे घर के पास एक एयरफोर्स का फील्ड हुआ करता था, अभी भी है। वहाँ से ये MiG-21 हमेशा रोज़ मेरे घर के ऊपर से उड़ते थे और मैं छत पे बैठकर घंटों इसको देखा करता था। ये इंडियन डेवलप्ड फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इंडिया में असेंबल किया गया है। ये एक सोवियत एयरक्राफ्ट है। ये है सितारा। ये एक सबसोनिक जेट ट्रेनर है। सबसोनिक मतलब साउंड से स्लो। क्या मैं इसको उड़ा सकता हूँ? काश, लेकिन मैं पायलट नहीं हूँ और ये भी ख़राब है, ये भी उड़ नहीं सकता है। इसे भी HAL ने इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए डेवलप किया है, और पुराने हो चुके किरण को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन ये किरण है कहाँ?
तो यहाँ पे है किरण, ये है किरण। सितारा से पहले इसी पे पायलट ट्रेनिंग किया करते थे। इसे भी HAL ने डेवलप किया था 1964 में, जो अभी भी सर्विस पे है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, सिर्फ 50-60 प्लेन बाकी है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 12 प्लेन बाकी है और उनमें से सिर्फ 8 के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी के बारे में मुझे नेट में नहीं मिला। ये है तेजस, ये इंडिया पे डेवलप होने वाला सेकेंड सुपरसोनिक जेट है और इसे बनाया गया था पुराने हो चुके MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। इस प्लेन का एक खासियत है इसका टेल, इस प्लेन का टेल नहीं है, इसमें ओनली ये विंग है जिसको डेल्टा विंग बोला जाता है और पूरा प्लेन को डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, जो मिरेज 2000 प्लेन से मिलता जुलता है। ये है एक छोटा मोटा पायलटलेस प्लेन, हमारे ड्रोन जैसा। ये प्लेन की तरह ही टेक ऑफ करता है, लेकिन उतरने के लिए पैराशूट का ज़रूरत पड़ता है। और ये जो प्लेन देख रहे हैं, इसका नाम है अजीत, मतलब जिसे कोई जीत ना सके। इसे भी HAL ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, जो 1977 से 1991 तक सर्विस पे था। और 5 प्लेन बाकी है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं ब्रिटिश फर्स्ट जेट बॉम्बर। ये 1950 का फर्स्ट जेट बॉम्बर है। तभी जेट इंजन नया नया बना ही था और बनने के बाद ही लोगों ने इसे इस प्लेन पे लगा दिया और बन गया ये वहाँ का फर्स्ट जेट बॉम्बर। 1945 में पैसेंजर प्लेन्स कैसा होता था देखना चाहेंगे? ये है डी हेविलैंड डोव, जिसमें 11 लोग बैठ सकते हैं। ज़रा सोचिए इसके अंदर बैठने से कैसा लगेगा, और वो भी 1945 में। इतना तक देख लिया और हंसा को नहीं देखा तो कैसे हो सकता है? ये है एक छोटा मोटा प्यारा सा प्लेन हंसा। ये एक मेड इन इंडिया प्लेन है, काश इसे मैं खरीद पाता। सुना है ये 40 लाख में आता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म नहीं करूँगा। आप लोगों को ये हेलीकॉप्टर्स देखे बिना आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए देखते हैं हेलीकॉप्टर्स। ये है एक मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ध्रुव। क्या मैं इसको उड़ा सकता हूँ? काश, लेकिन मैं पायलट नहीं हूँ और ये भी ख़राब है, ये भी उड़ नहीं सकता है। आई लव हेलीकॉप्टर्स। ये है सी किंग हेलीकॉप्टर, जिसे ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है और इसे आज भी इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी यूज़ करता है। ये एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है। अरे वो क्या, एक और MiG-21 देखना है? नहीं, ठीक है, आप लोगों को मैं और नहीं पकाऊंगा। अभी आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी। और जो लोग अभी भी देख रहे हैं, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, टाइम ख़त्म होने वाला है, 5:30 होने वाला है और मैं सब कवर नहीं कर पाया। इस म्यूज़ियम के अंदर भी बहुत सारे प्लेन्स के डिस्प्ले है जो इस बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन आज बंद है, आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। दोस्तों, ये एक सोविनियर शॉप है, लेकिन आज ये शॉप भी क्लोज है। तो अभी ब्लॉग ख़त्म करना है। ब्लॉग ख़त्म करने के लिए कुछ खरीदेंगे, खरीद के खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। दोस्तों, ये शॉप भी क्लोज है, तो आज खा नहीं पाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए। बहुत थकान हो रहा है, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाय। तो आज इतना दूर आया, पूरा कवर किया और बिना खाए पिए, देखिए टेबल खाली है, मेरा भी खाली है, बिना खाए पिए हम यहाँ से निकलते हैं। और शुरुआत में जो हेलीकॉप्टर्स था यहाँ पे पास में, जो ट्रेनिंग हो रहा था, बहुत परेशान किया। आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या प्रैक्टिस करने के टाइम पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत टाइम बेकार हो गया। तो चलते हैं, बाय। आज के ब्लॉग में मज़ा आया, वो लास्ट में मज़ा आया, जिस तरह भाग रहे, यहाँ की जितनी भी ऑडियंस है ना।